खबर इस वक्त की। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही लगातार बाबा के जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं, हर हर महादेव से पूरा देवालय गूंज उठा है। और आपको बता दें कि सावन महीना बेहद खास माना जाता है, और ऐसे में शिव भक्त जो हैं इस महीने में बाबा भोले की जमकर पूजा अर्चना करते हैं, बेहद हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया, इसके साथ ही बम बम भोले के साथ मंदिरों में जो है ये लगातार गूंज सुनाई दे रही है, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। तमाम शिवालय और मंदिर जो हैं वहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार के दिन पूरे दिन ये सिलसिला देखने को मिलता है, जहाँ पर शिवालयों में बाबा के भक्त उनकी दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का, शिवालयों का रुख करते हैं। तो सावन का महीना बेहद खास माना जाता है बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सावन के इस महीने में बेहद धूमधाम से बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाती है, उनका जलाभिषेक किया जाता है। और ऐसे में जो बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं वो बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए तमाम तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल ये चार तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, गोरखपुर, गाजियाबाद, गोंडा, मेरठ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, और लगातार बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त जो है तमाम तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आज के दिन यूं तो पूरे सावन में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद खास माना जाता है, लेकिन अगर खासकर हम सोमवार के दिन की बात करें तो पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहता है, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, तमाम विधि विधान से पूजा अर्चना, बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए तमाम उपाय जो है भक्तों की तरफ से किए जाते हैं। सावन के महीने में भी कांवड़ यात्रा शुरू की जाती है, और कांवड़ यात्रा भी बहुत खास होता है, और ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम जो है प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की जाती है कि ताकि बाबा के भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से आज का जो दिन है बेहद खास और सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। तो गोरखपुर, गाजियाबाद, गोंडा और मेरठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। देखिए हर जगह आज शिव भक्त जो हैं पूजा अर्चना में लीन है, बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए विधि विधान से मंदिरों में, शिवालयों में पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जगह जगह बाबा भोलेनाथ के शिवालय हैं, हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है, और जहां पर जिस तरह की मान्यता है और वहां पर जो पूजा का विधान है उस तरह से विधि विधान से पूजा करके बाबा के भक्त जो हैं भगवान भोलेनाथ को खुश करने की उपाय जो हैं वो करते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। आपको बता दें कि आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और आज का दिन बेहद खास है। यूं तो सावन जो है वो आपको बता दें कि 14 जुलाई से शुरू हो गया था, और ऐसे में हालांकि सोमवार के दिन से सावन की शुरुआत नहीं हुई थी, 14 जुलाई से जो है सावन शुरू हुआ। उसके बाद जब पहला सोमवार आया तब भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। आज सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों में वही उत्साह, वही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, और बेहद विधि विधान के साथ जो है भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए भक्त जो है नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे संवाददाता, लखनऊ के संवाददाता ने लखनऊ के तमाम मंदिरों में जाकर जायजा लिया है, किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई, किस तरह से पूजा पाठ किया जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। मन महानेश्वर मंदिर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे भोले के भक्त जो है काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे दर्शन के लिए मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बात करें पुलिस फोर्स की तो चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस मौजूद है कि किसी भी जो भोले के भक्त हैं वो जो दर्शन करने आए हैं किसी भी उनको आने जाने में या यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई उनको नुकसान ना हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पे जो भक्त हैं कितनी लंबी कतार में खड़े हैं दर्शन करने के लिए, और कितनी लंबी यहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं।
प्रथम दीक्षित, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में किस तरह से शिव भक्त बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कुछ नजारा है, वहां पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सबसे बड़ी बात कि आज प्रदोष भी है, इसलिए जो है श्रद्धालु जो हैं वो टूट पड़े हैं, रेला उमड़ा हुआ है श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए। देखिए देर रात से ही श्रद्धालु जो है कतारबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं और जो भीड़ का जो आलम है, जो रेला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी ज़्यादा संख्या में जो भीड़ श्रद्धालुओं की आई है। हालांकि अगर पिछले सोमवार की बात करें तो पिछले सोमवार को 5 लाख से ज़्यादा जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, और आज की बात करूं क्योंकि आज जो है सोमवार है, सावन का सोमवार, दूसरा सोमवार, साथ में प्रदोष, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जो है श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सोमवार से भी ज़्यादा देखी जा सकती है। जिस तरीके से देर रात से ही बारिश हो रही है उसके बावजूद लाइन में भीग के खड़े होकर अपनी क्रम की प्रतीक्षा करते हुए श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आई माता जी? कानपुर से। कब से लाइन में लगी है? अभी लगे हैं एक घंटा, हाँ आधा घंटा। आप भी बेटा कानपुर से हो? जी। ये सब लोग हम लोग कानपुर। देखिए और भी लोग कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस से ही है। कैसा लग रहा है आज सावन का दूसरा सोमवार है, प्रदोष भी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो देखिए जैसा मैंने बताया और भी कुछ श्रद्धालु अगर आए हैं। कहाँ से आए बाबू? गाजीपुर से, जखनिया। कोलकाता से सर, कोलकाता से। बोलबम, ओम नमस्कार। कब कब दर्शन किए? 11 बजे से लगे हैं सर, ये अभी दर्शन हुए हैं। आप देख, रात 11 बजे से लगे अभी दर्शन हुए हैं। लेकिन बार तो बारिश भी हुई है, भीगे में सर हालत खराब है, लेकिन दर्शन अच्छे हो गए, मन खुश हो गया, सारी कठिनाई दूर हो गई सर, सब ठीक है। बोलबम। कहाँ से आए? प्रयागराज। प्रयागराज से। कब से लगे थे लाइन में? 12 बजे लगे अभी दर्शन नहीं, बाहर दर्शन करने। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, 12 बजे से लगे थे। देखिए मैंने बताया कि देश के कोने कोने से शिव भक्त आते हैं और बाबा विश्वनाथ जो कि ज्योतिर्लिंग है और विश्व प्रसिद्ध स्थान है, कहा जाता है कि काशी के कण कण में शिव है, और बनारस भी उससे जो है देख सकते हैं जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ है, श्रद्धालु एकदम खचाखच, पूरी भीड़ भरी हुई है, जो बैरिकेड्स हैं वो पूरे पैक हैं, पूरे भरे हुए हैं श्रद्धालुओं का, जो धीरे धीरे भीड़ मंदिर की ओर बढ़ रही है। हालांकि मैं गदोलिया चौराहे के पास में और यहां से लगभग 500 मीटर पे विश्वनाथ मंदिर का द्वार है, 3-3 प्रवेश द्वार दिए गए हैं और एक नदी मार्ग का द्वार है। हालांकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वहां से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं बाबा के धाम में जाने के लिए, वहां से जो गंगा जल लेके बाबा का जलाभिषेक लोग करने जा रहे हैं उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से देखते हैं बनारस पूरी शिवमय हुई है इस समय, और जो कांवड़िए हैं बोलबम करते हुए, हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर जिले में किस तरह से बाबा भोलेनाथ के भक्त बाबा को खुश करने में आज लगातार मंदिरों में लंबी कतारों में नजर आए। हम इस वक्त है भूतेश्वर महादेव मंदिर। बताया जाता है कि यह मंदिर सहारनपुर का है और मुगल काल का यह मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसकी काफ़ी महत्वता है और यहाँ पर हर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और जल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर और जो है अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा ये मंदिर है जिसमें हम आए हैं, भूतेश्वर महादेव मंदिर। आपका क्या नाम है? अशोक सिंहदेवा। अच्छा, इन दिनों में क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, आज दूसरा सोमवार है, तो किस तरह की मनोकामना लेकर आए हैं? ठाकुर जी की प्रार्थना यही है कि सबको सुख शांति, पूरे परिवार पे कृपा बना रखे और भक्तों का कल्याण करे। जय माता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम क्या है? आशा सचदेवा। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ भूतेश्वर मंदिर की काफी पुरानी महत्वता है, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, हर सोमवार को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, तो आपकी क्या मनोकामना है, किस तरह की इसकी मान्यता आप मानते हैं? भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और हर घर में सुख शांति रहे। तो ये है, ये वो भक्त है जो ये मानते हैं कि भोलेनाथ बाबा जो सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर घर में खुशियाँ यहाँ पे दें। तो ये मैं दिखाऊंगा, ये मंदिर है यहाँ पर, इस तरह जहाँ पर जो अपना लोग घंटा भी बजाते हैं और जो है अंदर मंदिर में भी पहुँचते हैं और मंदिर में जाके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मांगते हैं। और भगवान शिव जो है, ये मान्यता जरूर यहाँ पर है कि भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। यहाँ पर और भी हैं, यहाँ पर आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं भूतेश्वर नगर से ही हूँ, सुनील कुमार सिंघल मेरा नाम है।
ये मंदिर की क्या महत्वता है यहाँ पे, किस तरह इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है, प्राचीन मंदिर है जी। इसके यहाँ जो भी सच्चे मन से आदमी आता है और अपनी मुरादें मांगता है वो पूर्ण होती है। आपकी कौन सी मनोकामना? हमारी तो बहुत मनोकामना यहाँ से पूर्ण होगी, हम क्या क्या आपको बताए। अच्छा जी, और जो भी सच्चे मन से यहाँ पे 40 दिन तक भूतेश्वर बाबा का मन से दीपक जलाता है उसकी सभी कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। बहुत सुंदर। तो हमारे साथ में माता जी भी हैं यहाँ पे। माता जी आप दर्शन करने आई हैं, गंगा जल चढ़ाने आई हैं? हर सोमवार को आती हैं? नहीं जी, कभी कभी नहीं भी आती हूँ, जैसे तबीयत खराब हो जाती है वैसे आती हूँ मैं। क्या किस तरह की यहाँ की मान्यता है? बहुत कुछ मानती हूँ मैं इनको भी, और अपनी तरफ भी है हमारे भगवान, इनको भी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। ये भक्त है जो अपनी जो है मनोकामना लेकर आते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार किस तरह से बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, उनकी रिपोर्ट देखिए। दूसरा सोमवार समय हम भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये भगवान दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है और सावन का दूसरा सोमवार, तो ऐसे में बड़ी संख्या में सुबह सवेरे से ही जो शिव भक्त कांवड़िए हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परिसर में किस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर, लंबी लंबी लाइनों में लगकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। चूँकि पूरे सावन के माह भगवान शिव की भक्ति की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, लेकिन सोमवार का जो दिन है वो विशेष दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए माना गया है, और यही वजह है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और भीड़ के बाद सब लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार के बाद यहाँ पर प्रवेश द्वार है मंदिर का, और प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद ये लोग अंदर जाके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा जल लेके पहुँचे हुए हैं। एक टोली यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। वो हरियाणा से यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए पहुँचे हैं। आप सावन का दूसरा सोमवार क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भोलेनाथ की कांवड़ लेके आए हैं यहाँ आज पूजा करने पहुँचे हैं मंदिर परिसर। अच्छा लग रहा है, जब पहली बार किया मैंने तो वैसे भी। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये अन्य श्रद्धालु हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए, क्या क्या जी? हमारे कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुँचे हैं, दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा की है, क्या कहेंगे आप? भाई बढ़िया प्रोग्राम हो रखा, हरिद्वार वालों ने बढ़िया सिस्टम कर रखा, 3 साल में है भाई साहब, बढ़िया नू ठीक ठाक मामला हो रहा, भीड़ बढ़िया, बाकी बोला सबकी सुनागा, बोल शंकर भगवान की। ये हमारे साथ मौजूद थे हरियाणा से कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, और आज के दिन सावन का दूसरा सोमवार है, जो भी भक्त यहां पर मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करता है, भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। देहरादून में क्या नजारा रहा वो भी जरा देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सावन का दूसरा सोमवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के सबसे प्राचीन मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में, जहां आपको दिखाना चाहेंगे, जहां आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं का भीड़ वह बढ़ता जा रहा है। आज सुबह से ही जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो कुल मिलाकर कहें कि सावन का महीना शुरू हो गया है और आज दूसरा सोमवार है। जिस तरह से पहले सोमवार के दिन भी श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा गया था, मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखी गई थी, इसी क्रम में जो है आज सावन का जो है दूसरा सोमवार है, आज दूसरे सोमवार के दिन भी श्रद्धालु काफ़ी तादाद में उमड़े हैं और लगातार जो है सभी शिवालयों में पहुँच कर गंगा जल जो है भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एक साल बाद यानी कि सावन का जो महीना शुरू होता है उसमें श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित रहते हैं, और जो मान्यता है, मान्यताओं की अगर हम बात करें तो यही मान्यता शुरू से रहा है कि सावन का महीने में जो भी भगवान शंकर ऊपर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि हर सावन के महीने की शुरुआत में ही जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं, और जो खासा शिवालय हैं उनमें उनकी भीड़ उमड़ने लग जाती है। इस वक्त हम यही मौजूद टपकेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ पर हमारे साथ महंत भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो सावन का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और यही वजह है कि श्रद्धालु जो है लगातार जो शिवालय में पहुँचते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत जी मौजूद हैं, बात करेंगे। महंत जी, सावन का दूसरा सोमवार है, कितना उत्साह देखा जा रहा है खासकर श्रद्धालुओं में?
हाँ उत्साह है भाई, सोमवार है ना, भगवान भोलेनाथ का सावन है और सोमवार है और लोगों की श्रद्धा है तो जुस्ता तो है, जल चढ़ाने का बहुत महत्व है ना, इसलिए लोग आते हैं अभी और भीड़ आएगी, अभी कम है, लाइन लगी है और वो आएगी, भीड़ खूब आएगी और खूब मान महीने भीड़ काफ़ी अधिक होती है, माना जाता है कि अगर सावन के महीने में कोई भगवान शंकर पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ मनोकामना तो कर्मों से होती है भाई, कर्म करेंगे तो मिलेगा, जल चढ़ाने से तो ठीक है, महत्व है जल का, उतना पुण्य मिलता है भगवान का ना, जो भी कर्म है ऐसी बात नहीं जितना चढ़ाते हैं। और मनोकामना की बात ये है कि भाई तुमने अगर कुछ नामी नीम से कर्म किया है तो होगा पूर्ण, ऐसी बात नहीं, भगवान करते हैं सब देते हैं। और चलिए एक बार फिर से लखनऊ का ही रुख करते हैं, हमारे संवाददाता ने वहां पर मंदिरों का झांसा लिया है, देखिए जरा। सावन का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही सभी शिव मंदिरों में भक्तों के आने का सिलसिला है वो जारी है। हम इसे प्राचीन लखनऊ के मरकामेश्वर मंदिर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला है वो जारी है। सुबह तड़के से ही जो भक्त है वो नजर आ रहे हैं, अपनी कतारों में लगकर भक्त है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दो कतारों में लोगों को लगाया गया है, एक कतार में महिला एक कतार में पुरुष लगाया गया, सुरक्षा के सभी इंतजाम है किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है, कैमरे से भी बकायदा नजर रखी जा रही है। बम भोले के जयकारों से आप देख सकते हैं कि जो पूरा मंदिर परिसर है वो गूंज रहा है, देख सकते हैं बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले के जयकारों से जो मंदिर है पूरा गूंज रहा है। हम आपको आगे दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि मंदिर में आने का सिलसिला है लोगों का सुबह से ही जारी है, सुबह तड़के से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भगवान भोले के दर्शन करने के लिए जो भाव है वो साफ तौर पे लोगों के चेहरों पर ही नजर आ रहा है, बहुत ही आस्था और भाव के साथ लोग मंदिरों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं, भगवान भोले के दर्शन करने के लिए वो लोग नजर आ रहे हैं और भगवान भोले को अर्पित करने के लिए लोग जल दूध और तमाम सारी और पूजा सामग्री है वो चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हर्षोल्लास है वो साफ तौर पर लोगों के चेहरों पर नजर आ रहा है। कितना कितना उत्साह है आज के दिन, कितना उत्साह, अरे आज के दिन उत्साह की क्या बात है, बहुत ही अपार आनंद हो रहा है। सावन के सोमवार कितने खास हैं, सावन के सोमवार कितने खास हैं, सावन के सोमवार सोमवार इतने खास हैं कि जीवन में इससे कुछ और अधिक हो ही नहीं सकता। सर कितने खास रहते हैं सावन के सोमवार, हाँ जी कितने खास रहते हैं सावन के सोमवार, सभी सावन में तो सारे सोमवार जो है खास होते हैं, विशेष होते हैं, देखा जाए तो ये बहुत खास मान्यता रहती है। मान्यता बस वही है कि भगवान हिंदू धर्म की एक आस्था है, पूजा करते हैं, पौराणिक काल से यह चलता आ रहा है, यही आस्था है, लोगों की आस्था है, लोग विश्वास है, दूर से पैदल चलकर आते हैं, जाहिर लोगों की आस्था है और विश्वास है, लोग दूर से पैदल चलकर आते हैं और करीब 150 किलोमीटर के आसपास जो लाइन है वो बाहर लगी हुई है। और उसके अलावा आपको दिखा दें कि लगातार भगवान भोले दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं भगवान को, तमाम सारी और पूजन सामग्री है वो अर्पित की जा रही है और जो लोग हैं वो भगवान भोले के दर्शन करने के लिए सुबह तड़के से नजर आप देख सकते हैं ये तमाम सारी पूजन सामग्री है जो भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने यहाँ पर दी है। और साफ तौर पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो आशा भाव है वो इस दिन को लेकर लोगों में रहता है, कितना कितना विश्वास रहता है इस दिन को, कितनी बहुत ज़्यादा विश्वास है, तभी आप देख सकते हैं लाइन बंदे तक पहुँच चुकी है, इस मंदिर का बहुत ज़्यादा मान्यता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, बहुत सारे परिवार के साथ लोग आए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पर आए हैं, यानी खास तौर पे मान्यता है कि इस दिन जो भी लोग भगवान भोले के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान व्रत रखते हैं तो उससे भगवान भोले जो है वो सभी मनोकामना है वो भक्तों की पूरी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि भगवान भोले को यहाँ पर जो दूध है जल है वो अर्पण किया जा रहा है, सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है, भगवान भोले के दर्शन करने के लिए लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोले के दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला है वो जारी है, सुबह तड़के से ही यहाँ पर लोग आए अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए। मान्यता ये माना जाता है कि जिस तरीके से सावन के जो सोमवार रहते हैं उनमें जो भी भगवान को पूजा सामग्री है जल है या और तमाम सारी सामग्री अर्पण करते भगवान भोले सभी मनोकामना है वो पूरी करते हैं, इसी आस्था भाव के साथ लोग सावन के सोमवार में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए मंदिरों का